रूम को गुड बाय बोलने के बाद हम चल दिए हैं हमारी गाड़ी लौटाने, और वहाँ से फिर एयरपोर्ट हॉर्न देते हुए टडूक टडूक, छोटी छोटी गलियाँ हैं, याद आएगी, वापस आते रहेंगे। अब तो मैं मिस भी नहीं करना चाहता, राइट है मोस्टली, पर मैं देख लेता हूँ सीधा सीधा। ट्रिप खत्म हो गया, ट्रिप वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप, क्योंकि हम दोनों ने प्लान किया था मिलके तो प्रोबेबिलिटी की है, देखो बेस्ट होने की। केएसआरटीसी का व्लॉग तो बनता है। कहाँ जा रही है? मैसूर टू त्रिवेंद्रम वाया गुडलूर, निलंबूर, थ्रिशूर, एर्नाकुलम, आलेप्पी, कोल्लम। नाइस, क्लब क्लास है ना ये, सेमी स्लीपर, मल्टी एक्सल, रियर इंजन, एसी बस। एसआरटीसी वाले ने हमें इतना खतरनाक ओवर टेक किया कि मुझे मौका ही नहीं दिया व्लॉग बनाने का, बट देयर इट इज अगेन, पर्सनल फेवरेट। त्रिवेंद्रम स्टेडियम देख लो, त्रिवेंद्रम सिटी देख लो, रोड अच्छा हो गया है अब। नासिक के ऊपर जैसा फ्लाईओवर बना हुआ है मुंबई आगरा हाईवे का, वैसा टाइप का लग रहा है ये वाला मुझे। ने कार रिटर्न कर दी है इंडस गो की, जो कि साउथ में अच्छा चलता है अकॉर्डिंग टू दिस गाय, और अच्छा था ओवरऑल एक्सपीरियंस, गाड़ी की क्वालिटी भी अच्छी थी। नॉट अ बिग फैन ऑफ रेंटिंग कार्स, बट ठीक है। अभी हमें 2 घंटे में फ्लाइट है, यहाँ से एयरपोर्ट 5-6 किलोमीटर दूर है, तो अभी रियल स्ट्रगल चालू होती है। होपफुली डीजी यात्रा होगा वहाँ पे, ताकि मुंडी दिखा के घुस जाए हम लोग। जीप शुरू हुआ, निकल गए था। एक साइड एयरपोर्ट है, दूसरे साइड बीच है, थोड़ा और पास जाएंगे अभी पानी के। पूरा टर्मिनल 1 क्रॉस करके जा रहा है, टर्मिनल 1 और 2 में भी कुछ 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस है यहाँ पे मुंबई जैसे। फास्टैग एंट्री यात्रा चालू नहीं हुआ अभी तक, एयरपोर्ट पे हो जाएगा जल्द। इंडिगो की भीड़ वर्सेस विस्टारा का बैगेज स्क्रीनिंग एकदम खाली है। विस्टारा की 2 फ्लाइट्स हैं, इंडिगो की 5, इसीलिए भीड़ है इंडिगो की। सिक्योरिटी में भी भीड़ मिलेगी लगता है थोड़ी। ऑफ दी अदर रीजन्स, बैकड्रॉप, डीजी यात्रा अभी खुला नहीं है, कितना ज़्यादा भीड़ है बैकड्रॉप में इंडिगो के। ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मेरा एकदम लास्ट प्रेफरेंस है इंडिगो, मतलब ट्रेन की टिकट भी ना मिले उसके बाद। गाइस, केरला से स्पाइसेस हैंड बैगेज में अलाउड नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि स्पाइसेस अलाउड नहीं होता है, मैंने हमारे साथ जो महाशय को बोला भी था, उसने काली मिर्च छोड़ के बाकी सब अंदर रख दिया। उसका ये लॉजिक था कि शार्प आइटम्स अगर रहेंगे तो वो अलाउड नहीं रहते हैं, बट काली मिर्च भी अलाउड नहीं है, तो वो वापस ले रहे थे। तो अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है, वो वापस गया है विस्टारा वालों के पास कि प्लीज़ मेरा काली मिर्च चेक इन कर लो, वो लड़ाई लड़ेगा जब तक है जान। एनीवेज, टिप फॉर यू, 2 बैग अब पता नहीं क्या करेंगे। कितना केजी अलाउड है? अलाउड तो 2, एक ही बैग है। एयरपोर्ट में बहुत भीड़ है, अपना गेट पता नहीं, छोटा सा एयरपोर्ट है, कितना, काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है। अभी प्रीमियम इकोनॉमी बिजनेस क्लास को बुलाया है, हम भी बोर्ड करेंगे अभी। साईराज का अता पता आ गया, साईराज विस्टारा टू दिल्ली एंड विस्टारा टू मुंबई साइड बाय साइड त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे। अनदर पॉइंट देखो, विस्टारा का प्लेन एरो ब्रिज पे लगे हैं, बट इंडिगो का वहाँ पीछे खड़ा है, तो बस से जाना पड़ेगा, तो अनदर पॉइंट। इंटेंड नहीं किया था कि मैं फुल सर्विस कैरियर वर्सेज लो कॉस्ट कैरियर का वीडियो बनाऊँगा, बट क्योंकि इतना एविडेंट था सब कुछ, तो इसलिए मैंने बना डाला। अब देख लो जो जो है देखने वाले। देखो वहाँ से चढ़ रहे हैं इंडिगो वाले ये बस में, अब ये बस घूम के वहाँ तक जाएगी। कोई तो अभी वहाँ प्राइवेट जेट से उतर के काली फॉर्च्यूनर में उतर जा रहा है, प्रॉबेबली कोई नेता वेता, ये पता नहीं कौन, चार्टर्ड फ्लाइट। अच्छा था ट्रिप, बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। और होटल्स? होटल ऑन टाइम डिपार्चर होगा मोस्टली हमारा, वहाँ पे नेवी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है एक, एंड इंडिगो की छोटी वाली फ्लाइट भी बोर्ड हो रही है। आगे तब मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा कि इंडिगो में क्या होता है और क्या नहीं होता है, दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन
विस्तार अगर मैं ज़रूर दिखाऊंगा खाने में क्या मिलता है कैसे क्या है। ऑफ कोर्स और ये सीट भी सिलेक्ट जो की है मैंने, विंडो सीट पीछे वाली जो होती है 22 ऑनवर्ड्स फ्री में किया। और हाँ बेसिकली इंडिगो मैं वो नहीं कर पाता, उसके लिए मुझे 200-300 एक्स्ट्रा देने पड़ते। इन शॉर्ट ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आपको रेट इतने अच्छे मिल जाता है विस्टारा वगैरह के कि आप डेफिनेटली यही चूज़ करोगे। हमने जब 3 महीने पहले ये फ़्लाइट देखी थी ये कुछ 12,000 की थी, फिर 8,000 पे आई और फिर उसके बाद ये हमने जब फाइनली बुक की तो 4,000 कुछ में हो गई अराउंड 1-1.5 मंथ पहले। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़्यादा टाइम बचा होगा फ़्लाइट का तो उतनी सस्ती मिलेगी। यू हैव टू फाइंड दैट ऑप्टिमम टाइम एंड कीप चेकिंग कि कब सस्ती हो रही है। इंडिगो की जो ये वाली फ़्लाइट है ये आई हुई है कहीं से अभी 7 मिनट्स बिफोर पुश बैक त्रिवेंद्रम का टेक ऑफ लेंगे। आज देखते हैं सिटी कैसा लगता है यहाँ से, मोस्ट प्रोबेबली वर्कला के बाद से जाएंगे। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज साइंड इज टर्न्ड ऑफ। As we prepare to take off, please ensure that your hand baggage is stored in the open. Indian Oil Aviation aircraft's fuel station. यहाँ के एयरपोर्ट का रनवे भी 3.5 से 4 किलोमीटर का है, विच मीन्स बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे लैंड कर सकते हैं और करते भी हैं गल्फ वगैरह के, जैसे एमिरेट्स, इतिहाद, सिटी ऑफ कोट्टाकरा ऐसा कुछ। तो अभी हम लोग उड़ रहे हैं कोची के ऊपर से, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा है नीचे। कोज़िकोड का सिटी अब उतना क्लियरली नहीं दिख रहा, बट अब हम कोस्ट के इस साइड आ गए हैं।
लेफ्ट में, तो अब हमें समुंदर समुंदर दिखेगा थोड़ी देर बाद। आज खुशबू अच्छी आ रही है विस्टारा में, कुछ छोले छोले की खुशबू आ रही है, पता नहीं क्या मिलेगा बट आज का टेस्टी लग रहा है ज़्यादा। तो अभी कन्नूर के ऊपर से उड़ रहे हैं, अब मैं दिखाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। खाना आ चुका है, चावल, मिक्स वेज, दाल मखनी, कटलरी, ब्रेड, केक, वाटर, बटर। कर्नाटका के ऊपर आ चुके हैं, उडुपी के ऊपर उड़ रहे हैं, कर्नाटका कोस्ट। कॉफ़ी बना रहा हूँ अभी, नीचे गोकर्ण आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ, ये कैमरा से दिखता ही नहीं है, दूसरा वाला लगाता हूँ। ये सामने कलंगूट बाग ही है सर। हाँ, बागा कलंगूट, ये वाला इधर एशवेम आएगा और इधर आगे मोरजिम जाएगा। एक्सप्रेसवे यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम टूवर्ड्स पुणे जा रहे हैं, टर्न मार के लाइन में लग के लैंड करेंगे, लाइन लगी रहती है मुंबई में। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का मुंबई तक का एक्सटेंशन। नवी मुंबई, वाशी का नहीं, ये आगे जो क्रीक है वो है। वाशी का ब्रिज तो लेफ्ट साइड में आएगा, अपन राइट साइड में। हाँ, थाने के ऊपर जो क्रीक जाती है वो है। ये अपना कौन सा फ्रीवे, ईस्टर्न फ्रीवे, आगे थाने दिख रहा है। ये तो बहुत पास पास में बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। बच्चा रोने लगा। ये आई झुग्गियाँ यहाँ की, मुंबई में ट्रैफिक दिख रहा है। मुंबई मेट्रो, ये आई झुग्गियाँ। इंटरनेशनल एयर इंडिया बोइंग 777 मुंबई से वहां जा रहा होगा, सैन फ्रांसिस्को या कहीं। अकासा एयर बोइंग 777 बहुत आगे उतर रहे हैं। अरे पर 4 किलोमीटर लंबा रनवे है। ASL एयरलाइंस कार्गो एयर इंडिया। टर्मिनल 1 पे बेचारी गो एयर खड़ी है। एयर इंडिया बोइंग 777। अरे मुझे वीडियो कैप्चर कर लेने, फिर घूमना उड़ गई क्या, कहाँ गई वो, गई लंदन हीथ्रो। हमारे साथ आइए पीछे पीछे, विस्टारा गोवा मुंबई। सिंधुदुर्ग मुंबई, अलायंस एयर, 1 घंटे का सफ़र तय करके आई। ये धीरे उड़ती है ना, नीचे उड़ती है, हमने इसे ओवरटेक किया होगा रास्ते में। सिंधुदुर्ग मुंबई, मैं बोल रहा था और हमें भी नीचे ही उतार दिया इन लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट पे। चलो नीचे चलते हैं, अगली बस आएगी ना, अगली बस से। मैं बोल रहा था हमें नीचे नहीं उतारते और मुंबई में हमें विस्तारा में नीचे उतार दिया। बोइंग 747
ये बोइंग 747 है, क्वीन ऑफ द स्काई, ये रिटायर हो गई अब। और ये ड्रीम लाइनर या 777 है, 777 है। ये था हमारा क्वीन ऑफ द स्काइज जो रिटायर हो चुका है, बीच एयरपोर्ट पे धूल खा रही है अभी, बोइंग 777। मुंबई आगमन हो गया है, मेरा बैग घर से कहीं से आ रहा है, इसके पीछे जस्ट पीछे इसी बेल्ट पे कोची की भी फ्लाइट आ गई है। इसी के साथ आई गेस आज का ख़त्म करते हैं।